चंडीगढ़ में ही खड़े हैं, सेक्टर 22 में, और मोबाइल मार्केट नाम की जगह है। और सामने भी है, भैया के पास आए हैं। दोनों काउंटर इनके सेपरेट सेपरेट हैं, रोल्स के। एक तरफ वेज वाले बन रहे हैं, एक तरफ नॉन वेज वाले बन रहे हैं। तो सामने भैया खड़े हैं, भैया से बातचीत कर लेंगे। भैया कैसे हैं आप, ये बता दीजिए सबसे पहले। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। आपका नाम क्या है भैया? नीटू सिंह। नीटू सिंह नाम है भैया का। तो भैया ये रोल्स वगैरह कितने टाइम से बना रहे हो, बताओगे थोड़ा? मैं यहाँ पे 2013 से। कितने तरह के होंगे? 10-10 तरह के होंगे वेज रोल? 10-12 या 15? 10, हाँ 10-12 तरह के होंगे वेज। एक बार जल्दी से 4-5 के नाम बता दीजिए जो सबसे ज्यादा बिकते हैं आपके पास। नूडल रोल है, वेज रोल है, पनीर है, पनीर चीज है, मशरूम है, सोया चाप है। अच्छा, तो हमें कौन से वाला ट्राई करना चाहिए ये भी बता दो। नूडल पनीर है, नूडल चीज ज्यादा बेटर है। बाकी कई बंदे हेल्थ की वजह से खाते हैं, सोया चाप वाला खाते हैं। सोया चाप वाला खाते हैं, तो आप वो बना दीजिए हमारे लिए, नूडल और पनीर वाला, या सिर्फ पनीर वाला बना दीजिए। ठीक है, हेलो, बनाना स्टार्ट करें? हाँ जी, हाँ जी, आपके बंदे। ठीक है, तो भाई साहब देख लो, सबसे ज्यादा लोगों को ये रहता है कि बिल्कुल अलग अलग है, वेज वाले उधर, नॉन वेज वाले इधर, ओ सॉरी, नॉन वेज वाले उधर और वेज वाले इधर है। और भैया हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, वो उधर करे। भैया ये आपने जो दो, मतलब ये दो दूसरा लड़का खड़ा है, ये सिर्फ वेज बनाता हाँ है हाँ और आप नॉन वेज? हाँ जी। ठीक है, तो भाई देख लो, हम वेज वाला ट्राई करेंगे। ये लो, इधर बनना स्टार्ट है। देख लो, ये भैया रोटी ये सीखने लगी है? हाँ जी। किस चीज की रहती है? मैदे की? मैदे की होती है भाई। अच्छा, तो ये आप अपने आप बनाते हो या फिर रेडीमेड? अपने आप बनाते हैं। तो भाई ये इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो ये रैप यूज करते हैं, तो ये सेकना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, घर से बना के लाते हैं। और रिफाइंड वगैरह डालोगे इसके ऊपर? नहीं, विदाउट रिफाइंड, पहले ही ऑयल लाया हुआ है इसमें। अच्छा, ऐसे ही सीख जाएगा ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कितना टाइम लगा सीखने में? भाई ये देख लो, एक तरह से सीख चुका है और कलर भी इसका चेंज होने लगा है थोड़ा थोड़ा। साल बताए भैया आपने, कितने साल से खिला रहे हो बंदों को? यहाँ पे 2013 से खिला रहे हैं। यहाँ पे 2013 से? हाँ जी। अच्छा, और आपने शॉप बताई वो कहाँ पे दूसरी? 20 सेक्टर 20D, आजाद मार्केट। अच्छा, आजाद मार्केट में आपकी दूसरी हो? हाँ जी, स्पेशल काठी रोल के नाम से। अच्छा, स्पेशल तो मतलब बस फर्क यह है, यहाँ पे आप स्ट्रीट पे खिला रहे हो और वहाँ पे शॉप में मिलेगा। हाँ, वहाँ शॉप में रोल के साथ पिज्जा, बर्गर, सैंडविच सारी चीजें। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये आपका चावला रोल्स बता रहे थे आप, चावला स्पेशल काठी रोल के नाम से? स्पेशल काठी रोल के नाम, चावला ब्रदर के सामने है। अच्छा, चावला मोटर्स के ओ, उसके सामने। ठीक है, हेलो। हाँ जी, देखो भाई ये आ गई हमारी स्टफिंग, चावला जी। ये देखो भाई साहब, ये इन्होंने स्टफिंग को गरम करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब भूनना स्टार्ट कर दिया है। ये कौन सा सॉस रखता है भाई, एक बार बताओगे कौन सा सॉस रखता है ये? सेजवान। अच्छे से बोलना, जैसे भैया बोल रहे थे। सेजवान सॉस है भाई ये जो इन्होंने इस पे लगा दिया। तो भाई साहब ये हो चुका है, ये गरम तैयार है इसमें लगने के लिए? तैयार है। थोड़ा सा रोस्ट करते हो वैसे, प्रॉपर कुक घर से ही करके लाते होंगे ना? तो भाई ये जाने के लिए तैयार है उसमें। ये लो भाई, ये आ गया स्टफिंग और नीचे सेजवान सॉस लगाया इन्होंने। ये सॉस भी खुद ही ये सॉस भी खुद ही बनाते हो आप? हाँ जी, खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो भाई ये लो, चेक करो, ये बन के तैयार है। प्याज डल गया, प्याज आ जाएंगे इसमें। और क्या आएगा? म्यूनिस, थोड़ी डालना बस, म्यूनिस बहुत थोड़ी, बस बस। बाकी अगर कोई चाहे तो ग्रीन चटनी भी है, केचप भी है, वो बाकी अपना नॉर्मल सेजवान और उसके साथ ही बनाते। अच्छा ठीक है, मतलब जैसा कस्टमर चाहे वैसा कस्टमाइज कर देते हो? हाँ जी। ठीक है, क्या प्राइस का रहने वाला है इसका, एक बार बताओगे? 60। तो भाई इसका प्राइस रहने वाला है 60 रुपीज में, और पनीर से लोडेड है ये, और इसमें किसी चीज की स्टफिंग नहीं डाली। पकड़ो, आप ये टाइमिंग बताइए कि जो बंदे खाने आए वो 5 बजे से 9:30 तक, 5 बजे से शाम को 9:30 तक। ठीक है, सातों दिन ओपन है, कोई ऑफ वगैरह तो नहीं है? कोई ऑफ नहीं। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगा कि आपने इतने साल हो चुके हैं, 7-8 तो हो गए होंगे? ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए, तो स्टार्टिंग कितने से की थी इसकी? आपके 120 स्टार्टिंग पनीर रोल की 50 रुपए से की थी, 40 से की थी, मतलब इतने सालों में 10-15-20 ही बढ़े। ठीक है, धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, वेलकम। तो भाई साहब हमने रोल बनवाया है, इसका प्राइस है भाई 60 रुपए, और रोल का साइज के हिसाब से पनीर पूरा लोडेड है, और इसमें इन्होंने अंदर स्टफिंग किया है उसकी, प्याज और पनीर की एक वो बनाया हुआ है इन्होंने मिक्सचर का, वो स्टफिंग बनाई हुई है, वो पूरा भर के दिया भाई।
टेस्ट करके आपको बताते हैं खाने में कैसा है। 60 रुपए इसका प्राइस है। पास से दिखाना भाई। बस बस बढ़िया भाई स्टफिंग। साठ रुपए वसूल है क्वांटिटी के हिसाब से। टेस्ट भी बढ़िया। लोकेशन टाइमिंग वगैरह आपको बता दिया। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना और पेज बनाओ तो फॉलो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बढ़िया फूड के साथ। और उस बंदे को टैग करना जिनको पनीर रोल खाना है स्ट्रीट पे और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बढ़िया लगा खाने में। ठीक है, 5 में से 5 नंबर वाली चीज है ये, इसको बोल सकते हैं। और मोबाइल मार्केट में खड़े हैं चंडीगढ़।